गुड डे स्टूडेंट टुडे वी लर्न चैप्टर 13 निदास एडवेंचर फ्रॉम योर इंग्लिश वन बुक सो टेक योर बुक। इट वॉज समर इन मुंबई, ये मुंबई का गर्मी था। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ही गर्म था। निदा एंड हर पेरेंट्स वेंट टू शिमला अ हिल स्टेशन फॉर द हॉलीडेज। निदा और उसके पेरेंट्स शिमला जा रहे थे एक पहाड़ी स्टेशन कुछ दिन छुट्टी के लिए। निदा लव्ड द होटल, निदा को होटल बहुत पसंद आया। शी कुड सी माउंटेंस फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से पहाड़ भी देख सकती थी। देयर वेर पाइन ट्रीज एवरीवेयर, वहाँ चारों तरफ पाइन का ट्री था। बर्ड्स एंड स्क्विरल्स केम टू ईट द पाइन नट्स, पक्षी और गिलहरी वहाँ पे पाइन नट्स खाने के लिए आते थे। दे चिर्प्ड एंड स्क्वीक्ड ऑल द डे, वो चिल्लाते थे और चहकते थे सारा दिन। वन आफ्टरनून निदा वॉज बोर्ड, एक दिन दोपहर को निदा बोर हो रही थी। शी फाउंड अ ट्राईसाइकिल इन द होटल, निदा को होटल में एक तीन पहिए वाला साइकिल मिला। कैन आई राइड द साइकिल मदर, शी आस्क्ड, उसने मम्मी से पूछा क्या मैं ये साइकिल चला सकती हूँ। येस बट स्टे क्लोज बाय, द होटल इज ह्यूज, मम्मी ने कहा। हाँ पर सामने ही रहना क्योंकि होटल बहुत बड़ा है। यू मे गेट लॉस्ट मदर सेड, तुम खो सकती हो, मम्मी ने कहा। ओके मम्मा, निदा सेट एंड सेट ऑफ, निदा ने बोला ओके मम्मा और निदा वहाँ से चली गई। सुन सी स्पॉटेड अ स्क्विरल, जल्द ही उसे एक गिलहरी दिखी। इट इज़ सो क्यूट, वो बहुत क्यूट थी। आई विल गिव इट सम नट्स, शी सेट एंड साइकिल्ड टूवर्ड्स द स्क्विरल, उसने सोचा मैं इस गिलहरी को कुछ नट्स दूंगी और वो गिलहरी के तरफ चली गई। बट द स्क्विरल वॉज शाई, लेकिन वो गिलहरी डर गई। इट रैन अवे व्हेन निदा केम क्लोज, वो दौड़ गई जब निदा उसके पास आई। शी फॉलोड इट, निदा उसको फॉलो की। निदा द स्क्विरल स्टॉप्ड, वो गिलहरी रुक गई। निदा साइकिल टूवर्ड्स इट, निदा फिर से साइकिल चला के उसके पास गई। द स्क्विरल रन एंड स्टॉप्ड अगेन, वो गिलहरी फिर से दौड़ी और रुक गई। निदा वॉक्ड स्लोली टूवर्ड्स द स्क्विरल, निदा चल के धीरे धीरे चल के उसके पास गई। शी टुक आउट टू आलमंड्स फ्रॉम हर पॉकेट, वो अपने पॉकेट से दो आलमंड ली एंड केप देम इन हर हैंड, और उसके हाथ में रखी। द स्क्विरल लुक्ड एट देम विद बीडी आईज, स्क्विरल अपने छोटे से गोल गोल आँखों से उसके तरफ देखी। इट केम क्लोजर टू हर एंड टुक अ नट, गिलहरी उसके पास गई और उससे दो नट्स भी ले ली। देन इट बिगैन टू ईट इट, फिर वो खाने भी लगी। निदा पैटेड इट्स हेड एंड गिव इट सम मोर नट्स, निदा उसका उसके सर पे थप थपाई और कुछ नट्स उसको और भी दी। आफ्टर सम टाइम निदा वॉन्टेड टू गो बैक, कुछ देर बाद निदा वापस जाना चाहती थी। टू द लॉन, लॉन में शी लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। ओ नो वेयर वॉज शी, ओ नहीं वो कहाँ गई। आई विल फाइंड माई वे इफ आई साइकिल डाउन दिस पथ, मैं अगर इस रास्ते से जाऊंगी तो मुझे अपना रास्ता मिल जाएगा। शी थॉट, उसने सोचा। निदा केम टू अ स्मॉल फाउंटेन, निदा एक छोटे से झरने के पास पहुंची। देयर वॉज अ शैलो पूल ऑफ वाटर अराउंड इट, उस पूल में वो वाला पूल ज़्यादा गहरा नहीं था। निदा वॉज क्यूरियस, निदा थोड़ा क्यूरियस हो गई। शी वॉक्ड ऑफ फॉर अ क्लोजर लुक, उसने अच्छे से सामने देखा। देयर वॉज अ फ्रॉक इन द पूल, उस पूल में एक फ्रॉक था। इट वॉज ग्रीन, वो हरा था एंड येलो इन कलर, हरा और पीला भी था। क्रोक इट सेट व्हेन इट सॉ निदा, जब वो मेंढक निदा को देखा तो क्रोक साउंड निकाला।
निदा लेंट ओवर द एज टू द पूल, निदा पूल के किनारे से झुकी, शी वॉन्टेड टू टच द फ्रॉक, वो उस मेंढक को टच करना चाहती थी, छूना चाहती थी, ओ नो स्प्लैश, निदा फेल इन टू द पूल, निदा उस पूल में गिर गई, वो हो मम्मा, निदा क्राइड, निदा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, वेर आर यू, आई हैव फॉलन इन टू द पूल, मम्मी तुम कहाँ हो, मैं पूल में गिर गई, आ हेल्पर एट द होटल हर्ड हर, एक हेल्पर होटल में जो था वो निदा का आवाज़ सुना, ही रैन टू द फाउंटेन, वो झरने के पास दौड़ के पहुँचा, ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ वेट अ लिटिल गर्ल क्राइंग इन द फाउंटेन, वो एकदम सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया छोटे से बच्ची को पुल में, फाउंटेन के पुल में गिरी हुई थी, जो भीगी भी थी और रो रही थी, प्लीज़ टेक मी टू माई मदर, प्लीज़ मुझे मम्मी के पास तक ले जाइए, निदा बोली, द मैन टुक निदा टू हर मदर, वो आदमी निदा को उसके मम्मी तक पहुंचा दिया, मदर रन एंड पिक्ड अप निदा, मम्मी दौड़ी और निदा को ली, शी गेव हर अ बिग हग, उसको जोर से पकड़ ली, थैंक यू शी सेड टू द हेल्पर, हेल्पर को उसकी मम्मी बोली थैंक यू, वेर आर यू, वेर वेर यू, मदर आक्स निदा, तुम कहाँ थी, निदा से मैंने पूछा, वाई आर योर क्लोथ्स वेट, तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हैं, वाई डिड यू गो सो फार अवे, तुम क्यों दूर चली गई थी, निदा टोल्ड मदर एवरीथिंग दैट हैपेंड, निदा उसके मम्मी को सारी घटना बताई जो उसके साथ हुआ था।